इस दुनिया में कई अद्भुत और रहस्यमय जगह हैं जो अपने आप में अनोखी हैं, जिनका रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। आज हम आपको ऐसी अनोखी और रहस्यमय जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको इन पर यकीन ही नहीं हो, पर ये सत्य हैं। ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। इस धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे आज तक कोई नहीं समझ पाया क्यों वो कैसे बह रहा है। पृथ्वी पर एक द्वीप है अंटार्कटिका, जो इतना खौफनाक है कि वहाँ कोई रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस द्वीप पर एक खूनी झील है जहाँ से हमेशा खून बहता रहता है। ऐसा क्यों होता है इसे कई वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो कोशिश करते कारण हर बार कुछ अलग आता। साल 1911 में वैज्ञानिकों ने इस झील को ढूंढा, तब से लेकर आज तक लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके कारणों का वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया। बाद में पता चला यहाँ के पानी में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर श्योर नहीं है। यहाँ बर्फ में एक तालाब दबा हुआ है जहाँ से पानी निकल रहा है। जितनी बार भी इसका कारण पता करने की कोशिश की हर बार कारण अलग ही है, इसलिए इसे सबसे रहस्यमय जगह कहा जाता है। मैग्नेटिक व्हील, न्यूब्रॉन्सुई। कनाडा के न्यूब्रॉन्सुई में एक शहर है मार्कटन। ये शहर अपनी अजीबोगरीब पहाड़ियों के लिए हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहा है। यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्हें मैग्नेटिक व्हील कहा जाता है। कहते हैं यहाँ बंद पड़ी गाड़ी भी अपने आप चलने लगती है। बात सिर्फ सड़क पर चलने वाले वाहनों की ही नहीं है, यहाँ से उड़ान भर कर जाने वाले विमानों के पायलटों के अनुसार पहाड़ी आने से पहले ही विमान की गति दोगुनी करनी पड़ती है, वरना ऐसा लगता है जैसे कोई प्लेन को नीचे की ओर खींच रहा हो। वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों में इसे लेकर मतभेद बना हुआ है। मार्क कटन की इस हील का पता 1930 में चला था। इस जगह के रहस्य के बारे में पता लगाने का काम अभी जारी है। भारत के लद्दाख समेत कई ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण के नियम टूटते हुए नजर आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील का जो सबसे निचला हिस्सा है वो दरअसल इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है, और जिसे हम ऊपरी हिस्सा समझते हैं वो इस झील का निचला भाग होता है। इसलिए गाड़ी बंद भी होती है तो भी वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है। इंटरनल फ्लेम फॉल्स, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अर्चर्ड पार्क में एक छोटा सा झरना है जिसमें जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने में आश्चर्य होता है कि आखिर ये लौ जल कैसे रही है। शोध के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि वहाँ के चट्टानों के नीचे से मीथेन गैस निकलती है। संभवतः 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस में आग लगा दी थी, तब से लेकर आज तक ये लौ लगातार जल रही है। नेट्रो झील, तंजानिया। ये अनोखी झील उत्तरी तंजानिया में स्थित है जिसे नेट्रोन लेक कहा जाता है। फोटोग्राफर नील राइट ने तंजानिया के नेट्रोन लेक के बारे में सबसे पहले पता लगाया। जब वे झील के करीब पहुंचे तो उन्हें वहां पर पशु पक्षी की पत्थर की मूर्तियां नजर आई। सभी मूर्तियां असली मरे पक्षियों की थी। दरअसल झील के पानी में एक ऐसा घातक तत्व है जिसके संपर्क में आकर जानवर और पशु पक्षी कैल्सिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। झील के पानी में नमक और सोडे की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिस कारण यहाँ चीजें पत्थर की पत्ती परिवर्तित हो जाती है। हालांकि नमक की अधिक मात्रा ही पक्षियों के मृत शरीर को सुरक्षित रख पाती है। झील के पानी में एल्कलाइन का स्तर पीएच 9 से 10 के आसपास है। जो भी झील के पानी को टच करेगा वो तुरंत ही पत्थर की मूरत बन जाएगी। झील की जांच करने पर पाया गया झील में वही तत्व है जो ज्वालामुखी की राख में मौजूद होता है। हालांकि इसके पीछे के असली कारण का पता नहीं लगाया जा सका। हीलर लैक, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत गुलाबी झील अपनी काजों के कारण टूरिस्टों को अपनी ओर खींच लाती है। ये गुलाबी झील पूरी दुनिया में अपने गुलाबी रंग को लेकर मशहूर है।
वैसे तो ये झील अन्य झीलों के मुकाबले काफ़ी छोटी है, पर इसे देखने के लिए और वहाँ स्विमिंग करने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। 600 मीटर तक फैली इस झील की चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। इस झील का रंग गुलाबी होने के पीछे एक बड़ी वजह है, एल्गी और बैक्टीरिया आमतौर पर इंसानों जीवों के लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बैक्टीरिया किसी को नुकसान नहीं पहुँचे। इसके अलावा डेड सी की तरह इस झील में भी नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यह सिलाइट लेयर है। इस झील में डुबकी लगाने और तैराकी करने के लिए टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। इन सभी स्थानों के बारे में अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।